नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑलवेज सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो में कुछ खास होने वाला है। यहाँ पर हम तीन कंपनी के पावर लाइट को लेने वाले हैं और उसे डीएमएक्स 512 के साथ कनेक्ट करके और उसे रनिंग करवाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी ये ट्रिक जान पाए कि हमने अलग अलग कंपनी के पावर लाइट को एक साथ कैसे रनिंग किया है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी पहली पावर लाइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये बायसन कंपनी की है। यहाँ पर ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी पावर लाइट भी हमारी बायसन कंपनी की है, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी ये दो पावर लाइट है, ये शोभा कंपनी की है, शोभा डीजे लाइट। और दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में दो पावर लाइट देख सकते हैं, ये जिया कंपनी की है, ये देखिए ब्रांडिंग। दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 6 पावर लाइट लगा के रखा है, जिसमें कि हमारी दो दो पावर लाइट एका कंपनी की, जैसे दो बायसन की है, दो शोभा की है और दो जिया की है। अब दोस्तों इनमें हमारी कोडिंग क्या है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर कोडिंग हमारी रहने वाली है, ये देखिए, इसमें D001 ये फर्स्ट नंबर पे है। और यहाँ पे देखिए D017 ये सेकेंड पावर लाइट है। तो यहाँ पे थर्ड वाले पावर लाइट में देखिए दोस्तों D033 है, और चौथे वाले पावर लाइट पे D049, पाँचवे पे D065 और लास्ट छठे पे D081। यानी कि दोस्तों हमारे सारे पावर लाइट में 16-16 का गैप है। अब यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं DMX 512, ये देखिए, और इस DMX से हम इसे रनिंग करवाने वाले हैं, वो भी एक साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं पूरे के पूरे, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, बाकी के 88.9% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई कर लो यार। जैसे कि हम कोई भी नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले DMX फॉर्मेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट करने के लिए दोस्तों, जैसे कि हम स्विच को ऑन किए, उसके बाद बैंक का डाउन बटन और प्रोग्राम वाला बटन, इन लोग दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है और पावर स्विच को ऑफ करके ऑन करना है। तो देखिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा DMX बिल्कुल सटीक तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। अब दोस्तों मैं एक एक पावर लाइट को चेक करा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे कि देख लीजिए एक और नंबर वाला पावर लाइट, देखिए रेड कलर, दूसरा पावर लाइट, तीसरा पावर लाइट, अब यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा। दोस्तों यहाँ पे पांचवा पावर लाइट हमारा इस कोड से नहीं जला। अब दोस्तों हमें जैसे कि देखना है, जो भी पावर लाइट हमारे एक नंबर वाले मास्टर से नहीं जलता है उसमें हम देखिए, ये हमारा एक नंबर वाला मास्टर पे बाकी सारा पावर लाइट काम कर रहा है, एक दूसरे नंबर पे कलर है और एक नंबर मास्टर है। दोस्तों यहाँ पे पांचवा वाला पावर लाइट जिया कंपनी की है, तो उसका मास्टर है सात नंबर फेडर, ये देखिए सात नंबर फेडर को उठाने के बाद एक नंबर उठाने पर कलर आती है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा सात नंबर इसमें मास्टर काम कर रहा है और बाकी के पांच पावर लाइट में एक नंबर मास्टर काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में हमारी प्रॉब्लम कर रही है एक पावर लाइट, जिसके लिए हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर से हमें प्रोग्रामिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस। यहाँ पर देखिए दोस्तों बैंक में 101 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, पहले सारे पावर लाइट को सेम कलर में यहाँ पे कोडिंग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले तो 1 से 5 तक को, ये देखिए रेड कलर हो गया। अब इसे एक बार दबा करके और फेडर पर डाउन करेंगे तो ये कलर यहाँ पे रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाकी के सारे पावर लाइट को मैं एक साथ जला दिया हूँ। अब इसे कर दूंगा MIDI@1, सारा लाइट एक बार ब्लिंक किया, यानी कि हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब दोस्तों इसी तरह से हमें इस पर और भी कलर ऐड करना है, जैसे कि हरा कलर में ऐड कर दिए, इसे होल्ड करके रख दिए और पांचवे नंबर को 1 के साथ हरा कलर में ले आए, इसे भी कर देना है MIDI@2। फिर इस पर ब्लू कलर को ऐड करेंगे,
अब इसे एक बार होल्ड कर देंगे और बाकी के 5 बार लाइट में ब्लू कलर ऐड कर देंगे। तो हो गया हमारा सारा ब्लू। अब यहाँ पे कर देंगे मीडी ऐड 3। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। अब इसे हम प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस ब्लैकआउट। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, हम एक बार DMS को ऑफ करके ऑन करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा बैंक में 101 आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नंबर स्कैन बटन पे रेड कलर ऐड हो चुका है, दूसरे पे ब्लू ग्रीन और तीसरे पे ब्लू। दोस्तों अब यहाँ पर इस तरह से 8 कलर को ऐड कर सकते हैं। और अगर जैसे आपके पास और भी 2-3 कंपनी की पार्कलाइट हैं तो उस पर भी आप यही काम करके और उसे भी एक साथ आप चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती थी पहले कि एक DMX से और 2 अलग अलग कंपनी के पार्कलाइट को आप सेट नहीं कर सकते थे, तो उस पर बस यही लॉजिक थी दोस्तों, एक कलर को होल्ड करके छोड़ देना है और फिर उसके मास्टर को चेंज करके और फिर से उसे भी ऐड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, सेम कलर का तो हो गया, हमने 3 कलर में किया समय को बचाते हुए। अब दोस्तों इसे मैं एक बार रनिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रनिंग वाला भी प्रोग्रामिंग कुछ इस प्रकार से होगा, देख लीजिए। तो प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस बैंक में 102, देखिए यहाँ पे 102 दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते समय हमें ध्यान देना है बैंक का, जैसे कि यहाँ पे 102 आ चुका है। उसके बाद एक नंबर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कलर दे देंगे मीडिएट 1, फिर से डाउन दूसरे को मीडिएट 2, मीडिएट 3, मीडिएट 4। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पार्लर का हमें आप काम आया, तो उस पर हमारे 7 नंबर पहले मास्टर उठाना है, फिर एक नंबर से रेड देना है। इसे भी कर देंगे मीडिएट 5, फिर से डाउन, फिर 6ठे वाले पार्लाइट को मीडियम 6। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे एक कलर की रनिंग ऐड हो चुकी है। प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस ब्लैकआउट। 102 चेस पे आए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 102 बैंक पे आए। अब दबानी है हमें ऑटो के एक बार और स्पीड वाले बटन फीडर को उठा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेड कलर का रनिंग ऐड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने रेड कलर को ऐड किया, वैसे ही आप कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कलर को आप ऐड करके और इसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिजाइन और दे देता हूँ दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए। प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस बैंक में 103 ले आए। अब यहाँ पे दोस्तों 1 और 6 को ऑन करके और इस पर हरा रंग दे देंगे, इसे कर देंगे मीडिएट 1, फिर से डाउन। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 2 और 5 का बारी आएगा, तो इस पर केवल एक ही पार लाइट अभी हमारे ऑन हुआ, तो इस पर हम इसे होल्ड कर देंगे और छोड़ देंगे दूसरे नंबर वाले को, फिर फीडर को डाउन करेंगे और 5वें नंबर को 7 के साथ 2 को उठाना है। अब यहाँ पे कर देंगे दोस्तों मीडिएट 2, यानी कि जिसका मास्टर जिसके साथ है उसको सिंगल कलर करके ही चलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें इसे भी हटाना पड़ेगा 2 को, उसके बाद हमें 3 और 4, फिर ये मीडिएट 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम और भी कलर में ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसे ब्लू कलर में ऐड करेंगे मीडिएट 4। और दोस्तों यहाँ पे हमें 2 नंबर को पहले ब्लू ले लेना होगा, उसके बाद होल्ड कलर करके छोड़ना होगा, फिर यहाँ पे 5 नंबर ले करके और 7 के साथ 3 नंबर को उठाना है। उसके बाद इसे कर देना है दोस्तों मीडिएट 5, फिर से डाउन, 2 को ऑफ कर देंगे, फिर से 1 और 6, इसे भी कर देंगे ब्लू कलर में ऐड, फिर इसे कर देंगे मीडिएट 6। दोस्तों ये इसके बाद हम इसे भी चेक प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस करेंगे ब्लैकआउट। अब इसे हम चेस में भी ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि प्रोग्राम को करना है लॉन्ग प्रेस चेस नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे बैंक नंबर हमारा 103 पे था ये। तो पहले इससे पहले वाला सिंगल वाले रनिंग को ऐड कर देते हैं, जैसे कि 102 बैंक में किए चेस नंबर 1 और बैंक नंबर 102, उसके बाद हम इसे कर देंगे मीडिएट 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों इसे रिवर्स भी ले लेते हैं,
कंटिन्यू भी चला देते हैं दोस्तों दो तीन बार। जब दोस्तों इसे प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस करके ब्लैकआउट कर देना है। हमारे चेस्ट नंबर वन पे ये वाला ऐड हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक नंबर 103 और 104 को भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि देख लीजिए प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस, चेस्ट नंबर दो, बैंक नंबर 103 दोस्तों 103 कर दिए और चेस्ट नंबर दो। इस पर एक नंबर स्क्रीन को दबा करके एक बार मीडी ऐड कर देंगे, फिर दो तीन, फिर से दो तीन। दोस्तों आप यहां पे प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस पर। अब यहां पे ब्लू वाले कलर को भी ऐड कर देंगे, जैसे कि चार छह नंबर पे था हमारा ब्लू कलर। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम को करेंगे लॉन्ग प्रेस और ब्लैकआउट। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमारा एक नंबर चेस और दो नंबर चेस दोनों रेडी है। अब यहाँ पे कर देंगे एक बार ऑटो, उसके बाद फीडर को यहाँ पर स्पीड वाले फीडर को उठा करके और छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रनिंग बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों सेटिंग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे वीडियोस को सभी देखते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। यहाँ पे 11% ही सब्सक्राइबर है और बाकी के 88.9% बिना सब्सक्राइब किए हुए लोग देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो भाई।